तो चाय आ चुकी है, बंदा इसके साथ अब चाय पिएगा इंटरनेट पे। सही है, देखो टेक्नोलॉजी देखो, इन लोगों से सीखो। हैं इंडिया में आंटियां हैं वो बॉइलिंग हॉट, तो वो बोले डायलॉग तो बता दें जो रात को बोल रही थी, अगर इंस्टाग्राम लाइव चलेगी तो क्या होगा। ये बंदा रोमांटिक ही रहता है हमेशा। कितना डिलीशियस दिख रहा है, मैंने फटाफट से दाल टेस्ट करी है, बहुत स्वाद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह हो चुकी है और आज है सैटरडे। बड़े दिनों बाद मेरे को लगता है मैंने व्लॉग स्टार्ट करा होगा। तो आज दिन है बिन साफ करने का, बस मैं शुरू ही कर रहा था अभी, मैं कहा चलो व्लॉग स्टार्ट भी कर लेते हैं। मैं भूल गया था मेरे को स्टार्ट करना था व्लॉग। मैं प्रीति को बोला आज मैं करूँगा, बड़े दिनों के से मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने पहनी हुई है शॉर्ट्स और मुझे करना है अब बिन साफ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता जब प्रीति आएगी बोलेगी ये क्यों पहना हुआ है, ठंड लग जाएगी। क्योंकि प्रीति और अभी दोनों की तबीयत ढीली चल रही है, प्रीति की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो सेम खांसी लगी हुई है उसको भी और ज़ुकाम लगा हुआ है। और अभी बस अब जाके थोड़ा सा बेटर होना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ है। कल गया था स्कूल, लेकिन आई थिंक ही स्टिल नीड कपल ऑफ मोर डेज टू रिकवर। तो करते हैं बिन साफ करते हैं। तो चाय आ चुकी है, बंदा इसके साथ अब चाय पिएगा। प्रीति को लग रहा है कि मुझे ठंड ना लग जाए। हाँ हाँ हाँ, बात ठंड में चाय पीने का जो मज़ा है ना, मुझे बताना कि आप लोग भी अभी ठंड में क्या कर रहे हो अपने गार्डन के साथ। क्योंकि यार मेरे को तो लगता नहीं गार्डन गंदा में रख सकता हूँ। हाँ मज़ा आ गया, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर अंदर चलते हैं। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। तो गार्डन सारा साफ हो चुका है, चाय पीते हैं अपनी और सारे बिन्स भी क्लीन हो गए, अब इनको बाहर लगा दूंगा, थोड़े ड्राई हो जाएंगे। आई थिंक छोटे वाले तो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं। आई कैन डू बेटर देन दिस, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। घर में सारे बीमार पड़ गए हैं। लिमसिप पी थी ना, उससे फर्क पड़ा रात को। पी थी लिमसिप? हाँ। अब सूप पियो और अच्छा लगेगा। ये दो तीन दिन लेता ही है। हाँ, खाया क्या खाया अब, और क्या खाया फिर दवाई में? सिर्फ लिमसिप? दवाई कोई नहीं खाई। चलो गुड, ऐसी ठीक हो जाओगे आप। सूप पियो, लिमसिप एंड यू विल बी फाइन। तो मैं हो गया ऑलरेडी, अबीर को लेके जाना ड्रामा क्लास। मम्मी आपका कीर्तन कैसा रहा मॉर्निंग का आज? कीर्तन बहुत अच्छा था। तो आपके सारी लेडीज बैठ जाते हो इंटरनेट पे? हाँ। सही है, देखो टेक्नोलॉजी देखो, इन लोगों से सीखो। हैं इंडिया में आंटियां हैं, वो अपने वहां पे पार्ट करती हैं, फिर मम्मी की टर्न आती है ना, ऐसे ही होता है ना? हां, जब मेरी टर्न आती है तो मैं पढ़ती हूं। हां, मम्मी पढ़ती है। शबद की बारिश आज कितने घंटे चलता है? दो घंटे। तो अभी अभी क्या कभी कब है, कब कल दोबारा है? कल फिर रेगुलर है ना, 26 तक। ओ तो 250 पूरा है। मदरसूरी इज बिजी टिल 26। थ्री फोर आवर्स के लिए बिजी रहती है मॉर्निंग में। और फिर अर्ली वो वहाँ पे उनका टाइम क्या हो रहा था? शाम होगी होगी ना, तो शाम को 3:30 में शुरू करते हैं। तो हमारी मॉर्निंग हो जाती है। सैटरडे को थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, सैटरडे को ना उनका अपना प्रोग्राम भी है। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू करेंगे। तो चल जा रहे, चले जाना। तो जाऊंगी मैं, एक दिन मिस नहीं करूंगी ना, रेगुलर। कितने बजे? मुझे 5:30 बजे जाना पड़ेगा। ये उठते नहीं है, कितने बजे उठते हो आप? 8:30-9 बजे उठ रहे होते हैं। अरे वो तो मतलब चिंता नहीं होती ना, कोई टेंशन नहीं होता। चिंता नहीं, अब चिंता तो उठ जाना 5:30 बजे। मुझे पता है जब मैं उठा तो मैंने फिर 5 बजे भी उठ जाना है। फिर रात के सो गए ना, आगे सो जाओ। नहीं, सुबह उठ के नहाना। हाँ, सुबह उठ के नहाना, फ्रेश होना और फिर जाना। गर्म गर्म पानी तो आ ही जाता है ना। तो बस मम्मी को कर आते हैं, मम्मी सूप पी रही है, मैं लेके जाता हूँ बीर को। मैं बीर को जरा लेके आता हूँ, फिर पहले उसको ड्रामा क्लास है उसकी आज, उसका शो आ रहा है 9 December को। तो जो वो अभी शो प्रैक्टिस कर रहा है, दैट प्लेज ऑन 9 December, तो हम जाएंगे देखने के लिए। तो चलेंगे ठीक है देखने के लिए 9 December को। तो उसकी क्लास के वहां पे जाना होता है, जैसे आपको पहले भी हमने दिखाया हुआ है। तो बस प्रीति उसको रेडी कर दिया, प्रीति की आवाज बिल्कुल बंद हो रखी है, तो इसलिए मैं अभी कैमरे में मैं हूँ। थोड़ी देर में वो भी वो जरा फ्रेश होती है और यू नो ट्राई गागल्स करेगी, थोड़ा आवाज को बैठे करेगी। कह रही है तेरे को अच्छा लग रहा था, मेरी आवाज बंद हो गई है।
ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत बुरा लगता है जब तेरी आवाज बंद हो जाती है, घर सुना सुना हो जाता है। मैं आया हूँ बाहर, काल डोसा से खाना लिया यार, बड़ा मन हो रहा था डोसा खाने का, बड़े दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलो लेके आते हैं। प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उसके लिए रसम लिया है मैंने, तो वो रसम खाएगी तो देखते हैं, रसम से उसको हमेशा ना आराम मिलता है। तो वैसे काल डोसा का ना रसम होता ही बहुत अच्छा है। तो अभी बस अबीर को पिक करूँगा फिर जाऊँगा, मैं अभी काम का काम कर रहा था बाहर बैठ के कहीं, तो बस घर चलते हैं। मौसम वैसे एक्चुअली अच्छा है यार, लोगों को बाहर निकालूंगा घर से, आज नहीं तो कल तो सूर्य जरूर। अभी सूर्य आ चुके हैं, कैसे रहा अभी ड्रामा, कैसे रहा? बॉइलिंग हॉट। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है, अभी तुम बॉइलिंग हॉट भी हो गए। Look, daddy was working in the car only. Yeah, I'm already hungry. Okay, let's go in home, right? Yeah. Mummy will cook some nice thing for you. Yeah. She doesn't want you to eat from outside, so. So every time I go to drama. No, not for like till you get properly, you know, better. Okay. तो हम आ गए हैं घर अब बीमार आदमी से मिलने। मैं अभी इन जैकेट्स को साफ कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप आराम करें। और आपके लिए डोसा लाए हैं हम, अगर आपको नहीं खाना आपके लिए रसम भी लाए हैं हम। फोन मेरे मुंह पर ले आए, ऐसे मैं इतनी डालिंग देखो ये 0.5 पे चल रहा है। ओके, पता मुझे ऐसा पता नहीं गाइस, आई डोंट नो, आप लोग कमेंट्स में बताना क्या मुझे नजर में विश्वास करना चाहिए। मेरी नजर लग गई होगी तेरे को, मैं प्यार इतना करता हूँ अपनों की कभी नजर नहीं लगती। ये मैंने करंट जो मैंने सुना था कि अपनों की नजर भी लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं नजर में विश्वास करूं कि ना करूं। यू गाइस देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था, दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, ऐसा पटाखा फूटा है मेरे पे, मेरी तो तबीयत ही खराब। सबकी खराब हो रखी है यहाँ पे तो। और मुझे ना कोल्ड और कफ इतना बुरा लगता है, मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, मैं कला भी मैं ऊपर लेटी हुई थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी, मुझे ना ऐसा ही कोल्ड इससे भी बुरा कोल्ड एंड कफ हुआ था फेब्रवरी में, इससे भी बुरी हालत थी, अभी पैदा नहीं हुआ था। तो हमारा जो अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हो तो हमारा जो पुराने वाला घर था हम वहाँ रहते थे तब, तो मैं सो रही थी तो पैक के हुए 2 बज रहे थे, तो मेरी हालत इतनी खराब थी, दवाई लेके सो गई, स्कूल कह रही हूँ, काम से छुट्टियाँ ले रखी थी। तो मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कहती मैं फ़ोन उठाया, हेलो, कहती हाय सौरभ प्रीति से बात करा दो। इतनी बेइज्जती, तेरी आवाज भारी हो रखी थी ना उस टाइम पे। हाँ, वैसे तो तू वैसे तो मैं वो ना बहुत अच्छी है, मेरी आवाज इतनी प्यारी, कोयल कोयल से तेरी बोली कर दे कुकु कुकु। तो गाइस कुकु कुकु, तो इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने बोला, बहन मैं प्रीति बोल रही हूँ, पता नहीं क्या सोचा होगा सोने से। अच्छा एनीवे, तो ये किस्सा था एक। हाउएवर एक और चीज है, हमने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, तो पहले तो सब लोग तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कर लो भाई सब लोग फॉलो। एनीवे, तो हमने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, हम इंस्टाग्राम लाइव करेंगे, हमने आज तक इंस्टाग्राम लाइव नहीं करा, तो हमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए संडे के लिए, भाई संडे मतलब कल, आज सैटरडे है, तो अगर मैं कल लाइव आ जाती हूँ तो मैं बात करूँगा, बच्चे डर जाएंगे आपके घर के, और मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा डरे इस मुल्क में क्या इस दुनिया में। तो इसलिए गाइस आई एम वेरी सॉरी, हम लोग इंस्टाग्राम का जो लाइव है वो पोस्टपोन कर रहे हैं, वी आर वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं अब मैं बस कर सकता हूँ, मैं फोन को रख सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, अब खाना खा लें, रसम खा लें, अब रसम की रसम पूरी कर दें। तो वो बोले डायलॉग तो बता दें जो रात को बोल रही थी, अगर इंस्टाग्राम लाइव चलेगी तो क्या होगा। तो मैंने बोला अगर मैं एक गंदी नहीं कहते इसको बेबी, इसको खराब असली आवाज मेरी ये है गाइस इस टाइम। चलो रसम रसम बस मीम का बन जाए। तो मैंने इसको बोला कि अगर मैं इंस्टाग्राम लाइव चली गई ना तो ऐसे लगेगा अमरीश पुरी आ गए, साक्षात अमरीश पुरी जी आ चुके हैं इंस्टाग्राम लाइव पे। तो अब साफ हो रहे हैं रूम्स और साथ में चल रहे हैं सॉन्ग्स। अबीर आपकी बुक बेटा यहाँ पड़ी है आजकल, अबीर ये वाली बुक पढ़ रहा है हैरी पॉटर। क्या कर रहे हो आप? I'm playing with my what do you call it? It's basically a ramp for my fingerboard. It's for my tech decks and my fingerboards and stuff. Tech decks. I lost my other one and I got more now. I got. ये भालू लाया था इसके लिए? Yeah, it's a bit of ramp. I'm just connecting the pieces. फिर होता क्या है इसमें? So then you just use tricks with it. दिखाओ ना हमारे को, एक तो दिखाओ। Okay, connect this. अच्छा हो गया, तोड़ना थोड़ना है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि एक्चुअली
करना क्यों है ये? अच्छा 360 हो गया अभी। देखो यार तुम तो 360 कर लो, मम्मी बीमार है वहाँ पे। तो भाई और बहनों हमने सोच लिया है कि हम इस वीडियो में चैलेंज वीडियो भी करेंगे। अभी हो रहे हैं 4:26, आपके भैया जा रहे हैं पानी लेने कुछ 1 माइल दूर। तो भैया जा रहे हैं पानी लेने, इनको 4:36 पे वापस आना है। चैलेंज स्टार्ट्स नाउ, रन रन। बंदा चैलेंज हार चुका है, लाइक 1 मिनट बचा है 36 होने में और अभी तक आपके भैया का कोई नामो निशान नहीं है। भैया आए नहीं गाइस अभी तक, भैया हार गए चैलेंज। और मौसम बहुत ही सुहाना है गाइस, आ जाओ घास पे बैठे। पता है इतना कबीना वाला में उस मौसम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, बंद कर दो दरवाज़ा। आप हार चुके हैं। मैं कभी नहीं हारता। दो बोतल पानी की बस। हारने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। तो पानी की दो ही बोतल आया बाजीगर। जल्दी में यही आता है। यार तू पागल है, थोड़ी ज्यादा बोतल ले आता ना। उसके लिए मुझे सेंसवे जाना पड़ता। 4:36 हो गए। मुझे कॉफी नहीं बोली ना लाने के लिए, फिर मैं सेंसवे जाता। यहां बड़ी सीरियस गेम चल रही है, क्या बात हो गई? हां इनका टूर्नामेंट चलता ही रहता है। दो बंदे मिल गए, दोनों को दो कोई काम नहीं हमारे पास। इसमें भी चीटिंग करता है? नो, इसमें भी चीटिंग करता है ये? नहीं नहीं, अभी किसी में चीटिंग नहीं। चलो आप वाले के लिए पुचड़ी। हां लेना, ये मेरे से पूछ रहा है। आठो है जब बीवी बीमार हो, ठीक है। आवाज देखो मेरी गाइस, आज बियर कर लो प्लीज। तो ना यहाँ ऐसे खड़े नहीं होना होता। हेलो हेलो, खड़े नहीं होना, सुनते ले पहले। सौरभ काम नहीं करना बेटा, सारा काम अभी करेंगे। तो मैंने आपको जो लिस्ट पकड़ाई हुई है, शुरू हो जाओ वो सब। आप रुको मत, ऊपर से शुरू। हाँ जी यहाँ से शुरू। नहीं अबीर की जैकेट मैं खुद करूँगी, आपको अपनी करनी है। और अपना अभी आप आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो गाइज, हम आपको बच्चा तो नहीं दिखा पाएंगे वरना यूट्यूब हमारी वीडियो ब्लॉक कर देगा। पर ये देखना क्या कर रहा है, ये विंडो क्लीन कर रहा है यहाँ पे, और मेरी यहाँ पे जान रुकी हुई है, और ये आदमी सिर्फ हंस रहा है। बेटा क्या कर रहे हो बेटा? साबुन वेस्ट कर रहे हो भाई, साबुन लगा दिया पूरी उस पे। हे मेरे भगवान, श्री कृष्ण गोपाल प्रभु महाराज बचा लो मुझे। मम्मी व्हाट इज सैड, यू शुड बी हैप्पी। आई एम क्लीनिंग विंडोज, दिस इज ऑल यू वांटेड, इजंट इट? ओह यू शुड बी हैप्पी डोंट यू? एंड राइट मम्मीज नेम नाउ। सौरभ उसकी तबीयत खराब थी शायद 4 दिन पहले, उसको बाहर निकालो। राइट मम्मीज नेम। ये बंदा रोमांटिक ही रहता है हमेशा। इतना मत प्यार करो हमसे कि हम अपने आप को भूल जाएं, दोबारा प्यार हो जाए, कि हमें अपने आप से प्यार हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पति हो तो भाई ऐसा हो। देखना हमारा पूरा रूम बना दिया इसने, और मैं अबीर का क्यूट सा कारपेट यहाँ पर ले आई हूँ, क्योंकि वह इस रूम में सोता है अब, जब तक हम उसका रूम रेडी नहीं करते हैं। और ये है मेरा रूम, आजकल मैं यहाँ सो रही हूँ, तो मेरा रूम भी उसने ठीक ठाक कर दिया है। थैंक यू सूरी साहब। और इतना ही नहीं, सूरी साहब ने ये वाला कमरा भी चमका दिया भाई। दाल बाटी चूरमा आ चुका है। सीरियसली यार, हमारे पहले वाले घर में भी हमारे इतने अच्छे नेबर्स थे, और इस वाले घर में भी हमारे नेबर्स हैं जो कि दिवाली पे हमारे घर पर आए थे, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा है दाल बाटी चूरमा। तो दिस इज दाल बाटी चूरमा एंड दिस इज सम, ओ माय गॉड, दैट्स माय फेवरेट सैलेड, चिकपी सैलेड। या आई विल कीप इट देयर, थैंक यू सो मच। यार वो इतनी अच्छी तरह भेजते हैं ना हमेशा। तो बस मैं फटाफट से शावर लेके आती हूँ, और अबीर का गोभी का परांठा बनाती हूँ, फिर हम लोग बैठ के खाते हैं। तेरा भी एक गोभी का परांठा और साथ में दाल बाटी। मेरे तो चार ना, चार गोभी के परांठे खाऊंगी मैं, गोभी का परांठा ही बनूंगी मैं। खुश है, आज बीमार हूँ ना मैं, बीमार खुश रहता हूँ, सारा काम मैंने किया। तो ये देखो यार कितना डिलीशियस दिख रहा है, मैंने फटाफट से दाल टेस्ट करी है, बहुत स्वाद है चूरमा, अमेजिंग। बाटी में तब खाऊंगी जब मैं प्रॉपर बैठ के खाऊंगी, बट दिस लुक्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच आवर लवली नेबर्स। नहीं नहीं यार, बिजल का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी बिजल बहुत अच्छी कुक है, तो उनका खाना तो काबिले तारीफ हमेशा ही होता है, और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने गोभी की पीठी तैयार कर ली है, और मैं आप लोगों को एक खुशी की बात भी बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ।
यार मैं ना ऐसे लेट नहीं सकती हूँ बैक में, पीछे मम्मी कह रही है चलो शुक्र है, क्योंकि मैं ना ऐसे बैक पे लेट नहीं सकती हूँ। मैं दोपहर में लेटी थी 1.5 घंटा, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं मुझे उठ जाना चाहिए, तो अभी मैं काम कर रही हूँ। और ऊपर से मेरे नेबर्स ने इतना स्वादिष्ट खाना भेजा, आराम से एक शावर लूँ। मैं दिन में 2 बार शावर लेती हूँ, एक बार मॉर्निंग में लेती हूँ, एक बार इवनिंग में लेती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो हम लोग शावर लेते ही लेते हैं सुबह शाम। तो इवनिंग का शावर लेके कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से बैठ के खाएंगे दाल बाटी चूरमा, जैसे मैंने सिखाया अभी वैसे करो पफ्स को। मुंह नहीं खोलना है नेक्स्ट टाइम, ओके ब्रीथ करो आराम से। मोमेंट यू टुक द पफ जस्ट ब्रीथ। दिस इज आई डू, आई टेक दिस आउट, शेक इट अप, आई एम जेंटली हिट दैट क्लिक, दैट्स इन। So then I put my mouth sealed and I press it and I breathe in. Well done. तो मम्मी हमें दिखा रही है सौरभ के कजन की बेटी की सगन की पिक्चर्स, जो कि कल था। हमने ब्लॉग में बताया नहीं था कि मम्मी जाने वाली है। तो कब जाने वाले थे आप ऐसे? मैं 16 को, 16 को मैं जाने वाली थी। गाइस बंदा आया था, कब आए थे? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव टुमॉरो, आई कांट बिलीव दैट। 23rd अगस्त को आए थे, अगस्त नहीं सितंबर। और ये 16 नवंबर को जाने वाले थे, तो मुझे इससे आगे कुछ नहीं बोलना है। Everything is 23rd, 23rd birthday, basketball 23rd, even in the Space Jam, and now you need to keep, 23rd. Now you need to keep quiet for 23. चलो दिखाओ भी फोटो दिखाओ। तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा भाई और बहनों। अब हम सब चाय पी रहे हैं बैठ के।